Hey guys, this is Atish Sharma. Welcome back to another video and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज मैं आपके लिए चार ऐसी बल्किंग मिस्टेक्स लाया हूँ जो लोग बल्किंग या मसल गेनिंग के दौरान करते हैं। चलेंगे पहली मिस्टेक पे, नॉट ईटिंग इनफ। तो मैं अपने जितने भी हार्ड गेनर दोस्तों से पूछता हूँ कि वो कितनी मील्स लेते हैं दिन में, उनका आंसर सिर्फ एक ही होता है, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं डिनर करता हूँ और मैं सो जाता हूँ। और उनमें से कुछ माशे तो ऐसे हैं जो स्कूल जाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। तो भाई, जब तक कैलरी सरप्लस नहीं हुआ कैसे होगा मसल गेन? अब कैलरी सरप्लस का मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी खा लो, क्लीन खाना है भाई, मसल गेन करनी है, फैट मास नहीं। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा क्लीन में क्या खाएं भाई ब्रेकफास्ट में, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल शेक बता देता हूँ। आपको 1 ग्लास मिल्क लेना है, आपको 2 बनानास लेने हैं, 2 एग्स लेने हैं, आपको 5 आलमंड्स लेने हैं, 2 टेबलस्पून उसमें पीनट बटर डालना और 1 से 3 टेबलस्पून ओट्स डाल लेना है। और अगर आपके पास कोई भी प्रोटीन पाउडर है जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, बूस्ट हो गया, तो उसमें डाल देना, उससे फ्लेवर ऐड ऑन हो जाएगा और उसमें 1-2 ग्राम प्रोटीन भी होता है तो आपको प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ेगा। तो और भाई ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसमें एग्स का स्वाद आएगा, एग्स अजीब से लगेंगे उसमें पीने में, स्वाद अजीब सा आएगा। तो भाई मैं खुद पीता हूँ शेक को, एग्स का स्वाद ही नहीं आता और आपने इससे टेस्टी शेक ना पूरी ज़िंदगी में नहीं पिया होगा, और वो भी इतने प्रोटीन कंटेंट के साथ। तो चलते हैं सेकंड मिस्टेक पे। तो लोग सोचते हैं अगर हम कार्डियो कर लेंगे तो हम अपनी हार्ड एंड मसल्स को लूज़ कर देंगे, जितनी भी हमने बल्किंग में भाई मसल बनाई है वो सारी हम लूज़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता, जब आप कार्डियो करते हो ना आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंक्लूड होता है आपका हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड, तो ये सब इंक्लूड होता है उसमें। तो जब आप कार्डियो करते हो आपका हार्ट और भी ज़्यादा तेज़ बीट होता है और वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाता है। हार्ट भी एक मसल होती है, उसकी एक्सरसाइज है कार्डियो। तो वो हार्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है जिसकी वजह से वो एक बीट में और ज़्यादा ब्लड पम्प करता है और आपका स्टेमिना इवेंचुअली इंक्रीज भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप और हार्डर एक्सरसाइजेस आसानी से कर पाएंगे और आपके रेप्स भी बढ़ जाएंगे। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन के लिए एक मसल को बार बार ट्रेन करने लग जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम एक मसल को बार बार ट्रेन करेंगे तो हम और ज़्यादा मसल गेन करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जब वर्कआउट कर रहे होते हो ना, आप अपनी मसल्स को ब्रेक कर रहे होते हो, आप अपनी मसल्स को टियर कर रहे होते हो, और जब आप रेस्ट ले रहे हो तो तभी आपकी मसल्स रिपेयर हो रही होती हैं। तो एक बात खुद सोचो, आपने अपनी मसल्स को ब्रेक कर लिया, ठीक है, आपने अपनी मसल्स को ब्रेक कर लिया, आपने उनको रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दिया, आपने उनको फिट ब्रेक कर दिया, ऐसे ही आपने बार बार किया, तो एक बात खुद सोचो कि मसल गेन कब हुआ? आपकी मसल्स रिपेयर ही नहीं हुई और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बिगर मसल सेल्स के साथ, तो आपका मसल गेन ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई, ऐसा मत करना। तो चलते हैं फोर्थ मिस्टेक पे, कार्बोहाइड्रेट्स पर ना फोकस करना। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट पर क्यों फोकस करना चाहिए? भाई कार्बोहाइड्रेट मेन रोल प्ले करता है बल्किंग में, अब मैं समझाता हूँ क्यों। कार्बोहाइड्रेट ही वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो हमारा इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, इंसुलिन ही वो हार्मोन होता है जो हमारे प्रोटीन में से अमीनो एसिड्स को निकाल कर हमारी मसल्स तक ले जाता है ताकि हमारी मसल्स ग्रो कर सकें। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में फ़र्क बताने वाला हूँ। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा देर तक एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करते हैं रादर दैन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, ओट्स, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है पास्ता, वाइट ब्रेड। अब आपको तो खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सा ज़्यादा हेल्दी है। तो यार आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो यही मिस्टेक्स करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब भी कर दो इस वाले चैनल को, क्योंकि यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे, भाई को प्यार नहीं दिखाओगे आप। मिलेंगे अगली वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।